जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमारा टॉपिक है जी। नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसको समझ रहे हैं हम लोग, ये नया टॉपिक। इसमें ये है कि ये वाला जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं कि ये जो इधर पढ़ा था, क्या भला, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है, इसी को ही हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। मैंने उस वक्त नहीं बताया था, फिर कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने इसलिए आप बताया कि इसका एक और नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ आ गई बात आप? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो हम टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो तो आधा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना? वो टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी ये है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं आप लोगों को कि क्या डिफरेंस क्या है। देखें, हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड जनरल डिमांड फंक्शन। जनरल इसलिए कहते हैं कि इसमें तमाम फैक्टर्स आ गए जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करती है, वाई का मतलब इनकम है, इनकम भी करती है, टेस्ट भी करता है, वेदर भी करता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी करते हैं, और बहुत सारे हैं जो सारे लिखे नहीं जा सकते, इसलिए हमने डॉट्स लगा दी। अगर हम इस जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, पहला हम कहें कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक हो गया, और दूसरा हम बना लें क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स। और आपको याद है ना कि ये जो है ये सारे क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्या हैं, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी ये अदर फैक्टर्स। तो हम मैंने जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड, ये वाला। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वाज़े तौर पर इस चीज को समझते हैं। जब हम इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड कहेंगे तो ये कहलाएगा ये वाली चीज, यानी इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, समझ गए? और जब हम, यानी ये चीज ध्यान में रखें कि इसमें हम प्राइस की बात कर रहे हैं डिमांड के ऊपर। अच्छा, इधर हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड के ऊपर। लॉग डिमांड में हम ये चीज़ नहीं देखते थे, ये वाली चीज़, क्योंकि उसमें हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। मेरी बात समझ आई?
चेंज इन डिमांड कहते हैं इसको, चेंज इन डिमांड कहते हैं। दोबारा मैं लिखता हूँ, चेंज इन डिमांड। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि वो फ़र्क करना शुरू कर देता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में। नहीं, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़हन में रखें कि चेंज इन डिमांड एक अलग से टर्म है पूरी, ये चेंज इन डिमांड, और फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक पूरी टर्म है अलहदा से, यानी ये टर्म अलहदा है और ये टर्म अलहदा है, ये दो हैं। आपने आप क्या करते हैं, आप कहते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही बात, मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें फ़र्क नहीं करना। लेकिन जब आपसे पूछें एज ए टर्म पूछें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यू कैन से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन्स इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड मीन्स इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। इतनी सी बात, समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आती हैं उन्हें हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। मैं मज़ीद आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर आपको समझाने के लिए ये टेबल बना रहा हूं कि यहां लिखते हैं प्राइस और यहां लिखते हैं अदर फैक्टर्स। अगर तो प्राइस की वजह से डिमांड में, इसमें आ कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इधर कहते हैं क्वांटिटी डिमांड, देखें दोनों तरफ क्यूडी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांड ही लिख रहा हूँ, इसलिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं करना, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स। फ़र्क ये करना है कि अदर फैक्टर्स मतलब इनकम, टेस्ट, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये जो चीज़ है, यानी इतनी जो चीज़ है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसका इफेक्ट जब देखेंगे तो ये चेंज इन डिमांड होगा, और जब हम सिर्फ प्राइस के साथ देखेंगे डिमांड पे इफेक्ट तो ये होगा चेंज इन क्वांटिटी में। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इधर इधर क्या है, इधर है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड, इधर है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है ना, इसको फिर क्या कहेंगे जब अदर फैक्टर्स की वजह से देखेंगे, उसे कहेंगे चेंज इन डिमांड। और भी नाम है जैसे इसको और कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, इसे क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, इसके लिए इधर कुछ नहीं। अच्छा, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और इसे हम कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड। ये सारे नाम हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको कि अगर आपसे पूछें कि जी बताइए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इस तरह आपसे पूछा जाए राइज एंड फॉल में क्या डिफरेंस है, तो आप भी बता सकते हैं। तो आप कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, सीधी सी बात। इस तरह से पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल,
आपने राइज एंड फॉल इज मीन्स चेंज इन डिमांड, एंड चेंज इन डिमांड मीन्स इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड, इतनी सी बात है। तो ये सारा एक ही चीज है। अच्छा, इसमें एक और कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको एक और नाम भी देते हैं, और इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो ये शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व इसको कहते हैं हम लोग, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन डिमांड के और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के ये सारे मतलब हैं जो मैंने टेबल बना के आपको लिखनी है वहां पर, ये सारे मतलब हैं। तो बात ये है कि इनमें फर्क करना है हमें। टाइम हमारे पास अभी कोई थोड़ा ही है, तो थोड़ा सा आपको फर्क समझ आया कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। तो और चेंज इन डिमांड के और नाम क्या हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के और नाम क्या हैं, ये सारा मैंने एक टेबल बना के भी समझाया आपको, ये सारे और नाम हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब मजीद थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मजीद बताऊँ आपको कि अगर हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस का बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है। चार्जिंग पे लगाओ। प्राइसेस के बढ़ने से, हाँ जी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम। ये लाभ डिमांड है ना, और प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, लाभ डिमांड। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इम्पैक्ट ऑफ प्राइस है ऑन क्यूडी। और ये इसको और क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड कम होती है, इस कमी को हमने क्या कहना है, इस कमी को जनाब आपने फॉल नहीं कहना, इसको आपने कॉन्ट्रैक्शन कहना है। तो आप इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इस प्राइस के कम होने से ये जो डिमांड कमी हुई है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहना है, और प्राइसेस के कम होने से जो डिमांड बढ़ी है, इसको क्या कहना है आप, इसको आपने कहना है एक्सटेंशन इन डिमांड। ये लाभ डिमांड में हमने ये बातें नहीं की थी, लेकिन उधर करते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, एक ही बात है बारह उधर। अब आप कर सकते हैं वहां पे कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ आ गई बात। अच्छा, इसी तरीके से अब आ जाएं कि जब हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन क्यूडी। और क्या नाम देंगे इसको, बाकी नाम ऊपर लिखे हुए टेबल में, इसे कहेंगे चेंज इन डिमांड, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अब अदर फैक्टर्स यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर डिमांड कम हो जाती है तो इसे हम कहेंगे फॉल इन डिमांड, इस कमी को फॉल कहेंगे जिसके पीछे अदर फैक्टर्स होंगे, जिस कमी के पीछे कीमत होगी उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अच्छा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इस बढ़ने को हम राइज कहेंगे, राइज इन डिमांड। आप बताइए फर्क समझ आया आपको कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में कमी या इजाफा हो तो उसे राइज एंड फॉल कहते हैं, अगर कीमत की वजह से डिमांड में कमी या इजाफा हो, इंक्रीज और डिक्रीज को कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन कहते हैं।
ये फर्क समझ आया आपको? और यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि अगर प्राइस होगी, प्राइस फैक्टर होगा, अगर प्राइस फैक्टर होगा तो उसे हम एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और अगर अदर फैक्टर्स होंगे तो उसे हम राइज एंड फॉल कहेंगे। समझ गए? आप मजीद देखिए, मजीद देखिए, इस बात को मजीद समझिए। वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ से समझाऊँ आपको, ग्राफ में इसमें मजीद समझ आ जाएगा आपको। ये क्यूडी है और ये प्राइस है, प्राइस तो आएगा, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और यहाँ पर दो पॉइंट्स, ये फर्ज कर लें 10 रुपये कीमत है और इस पर आप जो है वो 2 यूनिट खरीदते हैं, और ये फर्ज कर लें, फर्ज कर लें यानी ए से बी, ये फर्ज कर लें कि इस पर आप 4 यूनिट खरीदते हैं। तो आप जब आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि क्या हुआ, ए पर कीमत 10 रुपये थी और डिमांड 2 थी, बी पर कीमत 5 रुपये थी और डिमांड 4 हो गई, यानी कीमत कम हुई और ये डिमांड बढ़ गई। इस बढ़ने को क्या कहेंगे? इसको आप एक्सटेंशन कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर आप बी टू ए मूव करें तो बी पर कीमत 5 थी और ए पर कीमत 10 है, तो इसका मतलब यह है कि कीमत क्या हुई, बढ़ गई, और जो कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, इस कमी को, यानी 4 से 2 पर जो आप आ रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। और आप नोटिस करें इसके अंदर आप की जो डिमांड कर्व में आप मूव करते हैं तो आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, यानी एक नया डिमांड कर्व नहीं बना, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो मैंने भी आपको समझाई, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसी कर्व के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पर आप मूव करते हैं। लेकिन जब आप राइज एंड फॉल की बात करते हैं तो राइज एंड फॉल के अंदर जरा देखें क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व है, ठीक है, और फर्ज करते हैं एक डिमांड कर्व और बन जाता है, ये मैंने डॉटेड बनाया D1। अब जरा नोटिस करें तो एक पॉइंट इसके ऊपर ये है और इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल कीमत 10 है, ये ए पॉइंट है और इस पर आप 2 चीज़ें खरीद रहे हैं, और इसी कीमत पर यानी बी पॉइंट पर आप कितने खरीद रहे हैं, 4। अब बताइए, अब आपको समझ में आएगी बात कि अब जो यहाँ ए से बी की मूवमेंट है, इसमें ए पर डिमांड 2 थी और 4 हो गई है, यहाँ भी 2 से 4 हुई है, लेकिन ये 10 रुपये कीमत पर ही पहले 2 चीज़ें आप खरीदते थे, अब उसी 10 पर ही आप 4 खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं, कीमत तो कम नहीं हुई, तो इसका मतलब अदर फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ शो नहीं हो रहे, प्राइस तो आ रही है लेकिन वो फैक्टर्स समझ नहीं आ रहे, कीमत सेम पर ही आप क्यों ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये या हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई हो सकता है मौसम चेंज हो गया हो सकता है टेस्ट आपका उसके लिए बेहतर हो गया हो, तो कोई अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में पता नहीं कौन सा फैक्टर है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं है अदर फैक्टर की वजह से, क्योंकि कीमत वही है, कीमत में तब्दीली नहीं आई। इसी तरीके से अगर बी पर देखें तो कीमत 10 है, ए पर भी कीमत 10 है, लेकिन बी पर की डिमांड 4 है और ए पर डिमांड 2 है, तो बी से अगर हम ए पर मूव करें तो सेम कीमत पर आपकी डिमांड 4 से क्या हो जाती है, 2 कम हो जाती है। तो क्यों हुई कम, कीमत तो फैक्टर नहीं है, कीमत तो वही है, क्योंकि बी पर भी 10 है और ए पर भी 10 है, तो कीमत तो सेम है, तो फिर क्यों डिमांड कम हुई है, फिर इसका मतलब अदर फैक्टर की वजह से हुई है, इसको हम फॉल इन डिमांड कहते हैं। बात समझ आई बात? तो इसका मतलब जब भी राइज एंड फॉल होगा तो डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट नहीं होगी बल्कि डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मेरी बात समझ आ रही? तो ये ए से बी राइज है और ये बी से ए जो है वो ये फॉल है, ये ए से बी जो है ये एक्सटेंशन है, और आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर जब आप मूव करते हैं तो वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जब आप डिफरेंट डिमांड कर्व्स के डिफरेंट पॉइंट पर मूव करते हैं, डिफरेंट डिमांड कर्व्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर मूव करते हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहा है ये डिमांड कर्व हो रहा है, ये डिमांड कर्व हो रहा है,
और उस पे फिर जो होता है वो या तो राइज होता है या फॉल होता है, समझ रहे हैं। जैसे अगर ये डिमांड कर्व एक इधर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आप आ जाए, तो ए से बी राइज होगा और ए से सी जो होगा ये फॉल होगा, तो ये डिमांड कम होगी, देख रहे हैं ना आप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ राइज है और यहाँ से यहाँ, अगर ए को कंपेयर करें बी के साथ और ए को कंपेयर करें सी के साथ, तो कीमत इन तीनों पॉइंट पर सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। इस बढ़ने या कम होने के लिए आप जो टर्म यूज करेंगे वो राइज एंड फॉल के अलावा कोई टर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड राइज, दिस डिक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड फॉल, दिस इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड दिस डिक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शन। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज के नाम हैं जो आपने बताने हैं। अभी मेरे ख्याल बात क्लियर हो गई, यहाँ पर आपको वादे हो रहा है कि डिमांड कर्व की जो शिफ्टिंग है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, जो कि मैंने आते ही पहले लेक्चर में आप इस लेक्चर में बताया कि इसको शिफ्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, अदर फैक्टर्स को, तो अदर फैक्टर्स को शिफ्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं और अब हम आपसे आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे।